Yes. All the numbers have the same general formula. In homologous series, two consecutive members differ by one CH2 group, and all members have the same chemical properties. Yes, and their physical properties have gradually change hongi. Or alkanes, in short, aap bas jo keywords yaad rakhne hai, saturated hydrocarbon, their general formula is CnH2n+2. Aaj main aapko batata hun ke molecular formula. Molecular formula, structural formula, and displayed formula. Isme kya farak hai? Displayed formula. Ab dekhe, main agar likhta hu na yahan par ethane C2H6, molecular formula tells the total number of atoms in a covalent molecule. आपको बताएगा कि total number of atoms कितने हैं, दो carbon हैं, 6 hydrogens हैं. Displayed formula पर जरा आएं जी. Displayed formula आपको क्या बताता है? Displayed formula के अंदर you have to show each and every bond between the two bonded atoms. जिस तरह की alkane है, this is alkane, क्योंकि ये alkane के general formula को follow कर रहा है. अब आपने इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है तो आपको पता है कि एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये दो कार्बन है बेटा. आप पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करें और ईच कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड. तो अभी दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप इनके साथ 3 हाइड्रोजन बेटा ड्रॉ कर देंगे ऐसे. देखिये हम तमाम बॉन्ड्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जब किसी स्ट्रक्चर में आप तमाम बॉन्ड्स को शो कर रहे हो, then that formula would be displayed formula. अगर इसका structural formula लिखना है ना, तो उसका तरीका क्या है? इस carbon के साथ कितने hydrogens हैं? There are 3 hydrogens with this carbon. तो आप लिखेंगे CH3. Next carbon has also 3 hydrogens. तो CH3. तो structural formula में आप हर कार्बन के साथ बताते हैं कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. एक और एग्जांपल देखें फिर क्लियर होगा मजीद. एक और एग्जांपल से मेरे पास है जी प्रोपेन C3H8. दिस इज द प्रोपेन. मैंने इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, तो मैं डिस्प्लेड फॉर्मूला बेटा ऐसे बनाऊंगा इसका. देखें कि देयर आर 3 कार्बन और ये एल्केन है. एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, 1, 2, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. क्योंकि डिस्प्लेड फॉर्मूला है ना, इन डिस्प्लेड फॉर्मूला यू हैव टू शो ईच एंड एवरी बॉन्ड. तो आपसे तमाम बॉन्ड शो करने, जो टर्मिनल पर कार्बन हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड्स तभी पूरे होंगे. ये जो टर्मिनल कार्बन है इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन मैं अटैच करूंगा, और जो मिडल वाला कार्बन है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो मुझे 2 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट करने हैं. ये तो अब जरा देखिएगा, ये आपके पास जी डिस्प्लेड फॉर्मूला है. डिस्प्लेड फॉर्मूला मीन आपको उसमें बॉन्ड शो करने पड़ते हैं. लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, इसमें कार्बन 1 कहता हूं, इसको कार्बन 2, इसको कार्बन 3. इफा मुझे बताएं हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच विद कार्बन नंबर 1. CH3. Yes, इसको लिखेंगे CH3, then CH2 and CH3. तो this is the structural formula. और molecular formula तो आपको देखें total number of atoms बताता है. तो this ये molecular formula है. अच्छा आगे चलते हैं, एक और example इसकी देखते हैं. C4. How many hydrogens? I'm talking about the alkane. If there are 4 carbons, then hydrogen would be 10. Yes, 4 2s are 8 and add 2. So 10. C4H10. Iska dekhiye displayed formula kya hoga. Now there are 4 carbons. So aapko charo carbons ko beta single single bond banana hai. Kyunki alkane family hai. Now attach the hydrogen. Jo terminal par hai beta uske saath
तीन हाइड्रोजन आएंगे, जो मिडल में आ रहे हैं उनके साथ दो दो हाइड्रोजन हैं, और अब इसका आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो दिस सपोज दिस इज कार्बन वन, दिस इज कार्बन टू, दिस इज कार्बन थ्री फोर। तो कार्बन वन के साथ तीन हाइड्रोजन हैं CH3, कार्बन टू के साथ दो हाइड्रोजन हैं CH2, कार्बन थ्री के साथ दो हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। तो इफ आपको डिफरेंस पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप बताते हैं कि ईच कार्बन एटम हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, हर कार्बन एटम के साथ कितने एटम्स अटैच है, हर कार्बन एटम के साथ कितने एटम्स फर्दर अटैच है। और डिस्प्लेड फॉर्मूला में आपको तमाम बॉन्ड्स को इंडिविजुअली शो करना होगा, डिस्प्ले करना होगा। यस, इफ आई गॉट इट? या ओके। अब हम आते हैं एल्कीन की तरफ। एल्कीन का भी इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनके जरा नाम तो बता दे मुझे इफा, इसका क्या नाम होगा इफ देयर आर टू कार्बन्स? इथेन, इथेन। एंड इफ देयर आर थ्री कार्बन्स? प्रोपेन। शाबाश। एंड इफ देयर आर फोर कार्बन्स देन इट वुड बी ब्यूटेन, ब्यूटेन। एंड इफ देयर आर फाइव कार्बन्स देन इट वुड बी पेंटेन। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट फाइव मेंबर्स या फर्स्ट सिक्स मेंबर्स कम से कम उनके नाम आने चाहिए, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। अच्छा, तो ये तो था जी एल्कीन, वैसे हमने कल कर लिया था, सिर्फ आपको मैंने मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और डिस्प्लेड फॉर्मूला बताना था। अब इसी तरह एल्कीन का हम जरा चेक करते हैं जी। एल्कीन्स जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर एल्कीन्स, तो दो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आप कौन से चूज करेंगे जी एल्कीन को एक्सप्लेन करने के लिए? व्हाट आर एल्कीन्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Unsaturated mean? Double carbon double bond. अच्छा, अगर वो ये पूछे आपसे इफा कि define unsaturated hydrocarbon, तो क्या लिख कर आएंगे? They has one carbon double bond. बस ये लिखेंगे? No. अब देखें, आपको इसमें दो चीजें लिखनी है। वो कह रहा है define unsaturated hydrocarbons, तो आपको basically दो terms को explain करना है। Unsaturated को अलग-अलग explain करना है, जो आपने मुझे बता दिया कि carbon carbon double bond, लेकिन आपने अपनी definition में hydrocarbon को तो explain नहीं किया ना, तो आप ये भी बताएंगे and that compound contain carbon and hydrogen only, है ना? Yeah. तो ये दो चीजें बेटा आपको बतानी होंगी। जब वो कहेगा ना कि define अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपको अनसेचुरेटेड को सेपरेट डिफाइन करना है, हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करना है। अब इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n means जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, जितने कार्बन होंगे ना हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, और n यहां पर आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। देखिए, आपको कल भी बताया था कि एल्कीन का जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो क्या होगा, मतलब एल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम मीथेन ना, एल्केन्स तो एल्केन स्टार्ट होता है मीथेन से, CH4, दिस इज द स्मॉलेस्ट मेंबर। क्या एल्कीन का स्मॉलेस्ट मेंबर मीथेन होगा? मीथेन? नो, नो। क्योंकि बेटा अगर आप मीथेन कहते हैं ना, आप कहते हैं जी मैंने N1 रखना है, इफ N इज इक्वल टू 1, तो आप N1 रखें ना, इस N की जगह 1 रखें, ये आपका फॉर्मूला बनेगा CH2। ये CH2 तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, चार कार्बन के चार बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे, और आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी शो करना है। इसलिए एल्कीन्स जो हैं उनका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो इथीन से स्टार्ट होता है। तो इसको नोट के तौर पर लिखें, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथीन। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं इफा के, चले पहले मैं आपको ये करा देता हूं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी यहां पर
molecular formula, m dot f molecular formula. यहां लिखते हैं जी डिस्प्लेड फॉर्मूला, यहां लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, n इज इक्वल टू टू. बट अगर n टू होगा ना तो यहां टू लिखें, यहां भी टू लिखें तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा सी टू एच फोर. तो इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला ये होगा, देखें देयर आर टू कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, ये डिस्प्लेड फॉर्मूला में यू हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स. और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा ये होगा कि आपको ये बताना है कि ईच कार्बन हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स. देखें इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और अगले कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है. और इफ आई एक और बात सुनिएगा भी, कि जो डबल बॉन्ड है ना, दिस इज द रिएक्टिव पार्ट. इस डबल बॉन्ड को अगर एल्कीन रिएक्शन करेगा ना बेटा, जब भी एल्कीन रिएक्शन करेगा तो एल्कीन रिएक्शन करता है इस जगह पर, वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, वहां रिएक्शन होगा. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द रिएक्टिव पार्ट इन एल्कीन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द रिएक्टिव पार्ट इन एल्कीन. ठीक है, तो रिएक्टिव पार्ट को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव पार्ट है ना, रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कीन, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जब भी आप एल्कीन का रिएक्शन करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगा. तो ये जो बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, इसमें अलाउ होता है, आप फंक्शनल ग्रुप शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मर्जी है. इसलिए मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों तरीकों से लिखा है. यू कैन रिप्रेजेंट द डबल बॉन्ड, और आप नहीं करना चाहते तो ना करें. एक और एग्जांपल देखें, फिर बात मजीद क्लियर होगी. इफ एन इज इक्वल टू थ्री, फॉर्मूला बताइएगा इफा. इफ एन इज इक्वल टू थ्री तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर एन थ्री सी थ्री एच सिक्स, सी थ्री एच सिक्स. डिस्प्लेड फॉर्मूला में यू हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स. थ्री कार्बन हैं, कार्बन थ्री हैं बेटा. आप पहले देखें तीन कार्बन ड्रॉ करें, वन टू एंड थ्री. इफा क्या डबल बॉन्ड दोनों के दरमियान लगा दूं या किसी? No, only one. हाँ, बिटवीन द टू कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड आपने ड्रॉ करना, या इधर ड्रॉ करें या इधर. ये नहीं है कि तमाम नहीं, कोई से दो कार्बन एटम के दरमियान एक दफा डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे. तो यहां पर ड्रॉ कर देते हैं सपोज. अब आप रिमेनिंग हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए. देखें दिस कार्बन नंबर वन इज मेकिंग टू बॉन्ड्स, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगे ताकि फोर बॉन्ड्स पूरे हो जाए. कार्बन नंबर टू तीन बॉन्ड्स बना रहा है, एक हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर थ्री जो है ये बेटा एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन. तो दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला. ऊपर वाले का नाम तो मैंने आपको बताया था ना कल, इथीन. एच कहते हैं दो कार्बन को. इन इज द फैमिली नेम, इन फैमिली नेम है भाई. इसी तरह तीन कार्बन को कहते हैं प्रॉप, तीन कार्बन और इन इज द फैमिली नेम. यहां इसको लिखेंगे कैसे देखें, CH2 कार्बन नंबर वन CH2 हो गया. आपकी मर्जी है डबल बॉन्ड शो करना है कर दें, अच्छी बात होती है कि आप फंक्शनल ग्रुप को शो कर दिया करें. देन सेकंड कार्बन हैज वन हाइड्रोजन CH एंड थर्ड कार्बन हैज थ्री हाइड्रोजन. ये बेटा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का तरीका है. ये नोट भी याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथिल. अच्छा, इफ देर आर फोर कार्बन, इफ एन इज इक्वल टू फोर, देन फॉर्मूला वुड बी सी फोर एच एट. जितने कार्बन हाइड्रोजन डबल होने जा रहे हैं. अब फोर कार्बन एटम्स है बेटा, आपने डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है तो पहले चारों कार्बन एटम्स को ड्रॉ करेंगे, उसका मेन स्केलेटन,
एंड एक डबल बॉन्ड बिटवीन दी एनी टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के दरमियान कहीं भी एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दीजिएगा और सबसे आखिर में हाइड्रोजन को फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड जहां मर्जी ड्रॉ कर दें, टर्मिनल पर करना चाहते थे वहां ड्रॉ कर दें, आपकी मर्जी है। अब आप बेटा इसके देखिए, आपने ना कार्बन के चार चार बॉन्ड्स पूरे करने हैं, 4 बॉन्ड्स, जितने बॉन्ड्स कम होंगे उतने हाइड्रोजन लगेंगे। कार्बन नंबर 1 कितने बॉन्ड बना रहा है इफा इस टाइम, 1, तो यू हैव टू अटैच 3 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है ऑलरेडी, 1 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 1 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 4 के साथ 3 हाइड्रोजन। ये भाई आपका स्ट्रक्चर है डिस्प्लेड, इसमें आपने तमाम बॉन्ड शो किए हैं। अब मैं इसको जरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लेकर आता हूँ ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरा बोलिएगा कैसे लिखेंगे, बोले इसको ब्यूटीन कहते हैं बेटा जी, बोले CH3. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कीन, what is the functional group in alkene ifa? The carbon double bond, yes, what is the functional group in alkene? The carbon single bond. No, देखिए ना बेटा, functional group के पहले मतलब समझने क्या है, functional group mean, functional group mean reactive part. आप जरा alkanes को देखें, यहाँ पर तो सारे bonds एक जैसे नहीं है, carbon carbon single bond, carbon carbon single bond, तो कोई reactive part होगा या सब सबकी reactivity एक जैसी है? All the same. Same. It means there is no functional group in alkane. Functional group जो होता है वो अपने remaining molecule के मुकाबले में थोड़ा reactive होता है। जिस तरह ये है ना बेटा, मेरी बात सुनिए। Butene है। अब butene का अगर आप reaction करवाएंगे ना बेटा, तो ये जो part है, this is the more reactive than carbon 1 and carbon 4. तो ये आपका functional group है F dot G, क्योंकि ये reactive part है carbon 1 और 4 के मुकाबले में, carbon carbon double bond. लेकिन इन alkanes ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, इसलिए यहां तो कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे ये आंसर देते हैं कि इन alkane कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो आप यहां लिखेंगे नो फंक्शनल ग्रुप इन alkanes, ये बेटा याद रखिएगा बात, नो फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और भी कर लेते हैं, n is equal to 5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10, 1, 2, 3, 4, 5, कहीं पर डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे इधर, ये है पेंटीन, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह, CH3 CH double bond CH CH2 and CH3, ठीक है, ये बनेगा जो। इसी तरह 6 कार्बन होंगे तो हेक्सीन, कल नाम सारे लिखवाए थे मैंने आपको एल्केन के, बस उसी को आपने चेंज करना है। If there are 6 carbons, hexene. If there are 7 carbons, heptene. If there are 8 carbons, octene. अच्छा अब देखिए आगे चलते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपसे भी यहां पर कराऊंगा, वो ये
आपने ये करना है जी, राइट द नेम ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन. एल्केन के सेकेंड मेंबर का नाम बताइए. इथेन. इथेन. एल्कीन के सेकेंड मेंबर का नाम बताएं. प्रोपीन. शाबाश, ये डिफरेंस याद रखिएगा. देखें, क्योंकि एल्कीन स्टार्ट होता है इथीन से, मिनिमम जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन है वो इथीन है, क्योंकि एटलीस्ट दो कार्बन होने मस्ट है. तो ये फर्स्ट मेंबर हुआ ना, दिस इज द फर्स्ट मेंबर. कार्बन तो दो है लेकिन मेंबर फर्स्ट है. सेकंड मेंबर ये होगा जी, दिस इज द सेकंड मेंबर जिसमें प्रोपीन तीन कार्बन, दिस इज द सेकंड मेंबर. लेकिन एल्केन में वही सीक्वेंस है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही आपका मेंबर भी होगा. फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड मेंबर इथेन. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये, व्हाई अनसेचुरेटेड, व्हाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव देन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. मतलब बेटा, अगर आप रिएक्शन करेंगे ना तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब मैं ऊपर लिख देता हूं. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन वाई एल्केन्स. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन एल्केन्स. तो क्या आंसर इसका होगा इफा, कि वाई एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स? बिकॉज एल्केन्स हैव अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड व्हिच इज मोर रिएक्टिव. यस यस, परफेक्ट आंसर. तो आप बताएंगे कि इन एल्केन्स there is a carbon double bond, while in alkanes there is no double bond, there is no carbon double bond. अच्छा, alkanes are inert. Inert का मतलब क्या होता है जी? Alkanes are inert. ये note लिखने आप. Alkanes are inert. Inert means, inert का मतलब पता है इफा? No. Inert कह दें या least reactive कह दें, inert और least reactive. तो alkanes are least reactive. Least reactive ज़्यादा अच्छा word है. Alkanes are least reactive compounds या hydrocarbons. Alkanes जो है ना, ये least reactive हैं, ठीक है? And alkenes are most reactive. ये एक दूसरे के बिल्कुल reactivity में 180 degree opposite जा रहे हैं. Alkanes are least reactive. Alkenes are most reactive. Alkanes do not have a functional group. Alkenes have a functional group, carbon-carbon double bond, which makes the alkene reactive. अच्छा बेटा, अब हम इस तरह करते हैं, अभी ना हमने जो रिएक्शन है वो भी स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा. रिएक्शन तो आपको मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, अभी तो हमने करना है क्रैकिंग. पहले मैं आपको क्रैकिंग सिखाता हूँ, उसके बाद हम भी इसकी नेमिंग भी सीखेंगे कि हाउ टू गिव द नेम्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन पहले हम आ जाते हैं क्रैकिंग के ऊपर, ठीक है? इफ आई डू नो द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग? Is it when you break hydrocarbons? Which hydrocarbon? Longer hydrocarbon or smaller hydrocarbons? Longer ones. And what is the purpose of cracking? So you can turn them into useful products. What?
useful products that you can use okay, them. Okay. Tu ko sahi keh rahi hai beta. Cracking, jisna word se clear hai ki you will break something. Crack. Isme breakdown of longer hydrocarbons or heavy fraction into smaller hydrocarbon ya lighter fraction. To main iski definition aise likhta hu ki breakdown of longer hydrocarbon mean heavy fraction in petroleum. Breakdown of longer hydrocarbon into smaller hydrocarbons. Smaller hydrocarbons mean lighter fraction. Okay, if I dekhiye breakdown kar rahe, you are breaking the compound. So aapke khayal mein this reaction would be endothermic or exothermic. Aapko heat energy deni padegi ya heat energy release hogi. आप ब्रेक कर रहे हैं एंडो यस yes. क्योंकि आपको पता है जब भी आपने कोई चीज तोड़नी है आप डेली लाइफ में भी देखें आपने अगर कोई चीज तोड़नी है तो यू विल गिव द एनर्जी तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो इसमें भी आपको एनर्जी देनी होगी तो क्रैकिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्रैकिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन यू विल गिव द एनर्जी heat energy will absorb aapko heat energy deni padegi for the reaction acha ye jo beta cracking hai na ye badi harsh condition par hoga sirf heat energy dene se nahi hoga to condition for cracking is conditions kya hain kya kya cheeze denge to reaction hoga high temperature and high pressure और कुछ है इसके अलावा आई थिंक दैट्स इट कैटलिस्ट यू हैव टू ऐड कैटलिस्ट फॉर द क्रैकिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इज कैटलिस्ट नाम मैं लिख देता हूं नाम नहीं है आपके सिलेबस में सिलिका एंड एलुमिना नाम बेशक आप स्किप कर दें अगर नहीं याद करना ये आप कैटलिस्ट भी डालेंगे तो बेटा आपका रिएक्शन फास्ट होगा अब मैं आपको बताता हूं कि क्रैकिंग क्यों करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रैकिंग टू गेट द मोर यूजफुल फ्रैक्शन एक तो ये आपने बात बताई जो कि बिल्कुल ठीक है पर्पस ऑफ क्रैकिंग टू गेट द मोर useful fraction like alkenes small alkenes dekhen hota ye hai ki ye jo petroleum hai na petroleum par is petroleum se aapko maine kal bhi bataya tha ki is petroleum se aapko petrol bhi milta hai इस पेट्रोलियम से आपको डीजल ऑयल भी मिलता है इस पेट्रोलियम से आपको केरोसिन ऑयल भी मिलता है इस पेट्रोलियम से आपको और भी बहुत सारी चीजें लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्यूल ऑयल काफी सारी चीजें मिलेंगी अच्छा इसमें कार्बन कम होते हैं इसमें कार्बन होते हैं तकरीबन 8 C8 8 कार्बन होते हैं ठीक है जो बेटा डीजल है ना इसमें कार्बन की रेंज होती है C14 से C25 लुब्रिकेटिंग ऑयल में होती है बेटा ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है C27 अब मुझे अब ये बताओ कि डेली लाइफ में ज्यादा यूज किसका है डीजल ऑयल का या पेट्रोल का या केरोसिन ऑयल का या लुब्रिकेटिंग ऑयल का डेली लाइफ में ज्यादा यूज किसका है जी डीजल डीजल पेट्रोल नहीं है कितनी गाड़ियां ज्यादा गाड़ियां किस पे चल रही होती हैं पेट्रोल पर या नहीं पेट्रोल एंड डीजल पेट्रोल यस पेट्रोल का यूज जो है ना सबसे ज्यादा है लेकिन पेट्रोलियम से आपको जो पेट्रोल मिलता है
only 12%, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है. दिस इज नॉट सफिशिएंट. तो आप इस पेट्रोल की परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल में जो कार्बन है वो कम है, ज्यादा है? कम है. दिस इज स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है. तो अब आप ये करते हैं. अच्छा देखिए ना, केरोसिन ऑयल का यूज कम है, केरोसिन ऑयल का यूज कम है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज कम है. तो आप क्या करते हैं, इन लॉन्गर हाइड्रोकार्बन्स को, जो लॉन्गर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में लेकर आते हैं, क्योंकि ये मोर यूजफुल है. ये भी यूजफुल है, एल्कीन्स भी यूजफुल है. तो जब आप ये बनाएंगे तो साथ में एल्कीन भी बनेगा, वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा. लेकिन पर्पस ऑफ क्रैकिंग इज, क्यों करते हैं, ताकि आप इस पेट्रोल की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें. आप लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करके स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन में लेके जा रहे हैं. तो मैंने ऊपर लिख दिया है, टू गेट द मोर यूजफुल फ्रैक्शन. अब बड़ा रिएक्शन पर आ जाए जी, इसका रिएक्शन कैसे हो. देखिए, एक लॉन्गर हाइड्रोकार्बन है ना, अगर इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ऑफ क्रैकिंग, कि जो आपका लॉन्गर हाइड्रोकार्बन है, जब आप इसकी क्रैकिंग करेंगे ना बेटा, क्रैकिंग कैसे करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई प्रेशर देंगे और कैटलिस्ट देंगे. ये है क्रैकिंग. जब आप इसकी क्रैकिंग करेंगे तो आपके पास स्मॉल एल्केन्स बनेंगे, स्मॉल एल्केन और एल्कीन्स. अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कैसे. आपके पास है रिफा C8H18 या इसको और बड़ा करते हैं बेटा, इसको और बड़ा करते हैं, C18 लिखते हैं. मुझे बताएं C18 होगा तो H कितना होगा बेटा. इफ देयर आर 18 कार्बन्स, तो उस एल्केन में हाइड्रोजन्स कितने होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्केन्स. हाइड्रोजन्स कितने होंगे. इफ देयर आर 18 कार्बन्स, तो इस एल्केन का जरा फॉर्मूला यूज करें ना, 18 टू जा क्या होता है, और उसमें 2 ऐड कर दें फर्दर, C18H38. अब बेटा आपने इसको ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन. तो आपको एग्जामिनर अगर ऐसे कर देना, आप एक अल्केन बनाएं, बाकी अल्कीन्स बना दें, बट एक रैंडमली कोई भी अल्केन का नाम बोलें जो बस 18 से छोटा हो. 7 कार्बन का बता दें, 6 का बता दें, 3 का बता दें, 4 का बता दें, आपकी मर्जी है. कोई एक अल्केन बताएं. हेक्सेन. C6H14 हो गया है ना. अब आपको बाकी अल्कीन्स बनाने हैं. बाकी क्या बनाने हैं बेटा. अब आप देखिए 18 में से 6 निकाल दें, कितने कार्बन बच गए जी. 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 कार्बन के दो एल्कीन्स बनाए, दो डिफरेंट एल्कीन बनाए. मतलब आप 6-6 ना लेना, वो तो सेम बन जाएगा. 5 ले लें और 7 ले लें, 8 ले लें, 4 ले लें, इस तरह. तो बताएं जी, दो डिफरेंट एल्कीन्स, 12 कार्बन को आपने फर्दर डिवाइड करना है दो एल्कीन्स में. C5H10 और 12 में से 5 निकल गए, तो बाकी कितने बच गए, 7. तो बाकी 7 वाला बनाएं C7H14. तो काउंट कर रहे हैं हाइड्रोजन्स पूरे. तो ये बेटा एल्कीन क्रैकिंग ये होती है. आपने एक एल्केन बनाना होगा और बाकी एल्कीन्स बनाने होंगे. फॉर एग्जांपल रैंडमली, ये रैंडम प्रोसेस है, आप जो मर्जी बनाए, आपकी मर्जी है. C8H18 है अगर इसका, देखिए मैं क्या बनाता हूं, मैं एक इसका ब्यूटेन बना देता हूं C4H10 और एक इसका बेटा मैं बनाता हूं C8H18 लिया ना. अभी 4 कार्बन रहते हैं, 4 कार्बन, तो C4H8 एक बना मेरे पास ब्यूटेन, एक मेरे पास बना ब्यूटीन, और ये था आपका ऑक्टेन. तो ये है क्रैकिंग की एग्जांपल.
ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई अभी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है इफा, कि आपके पास स्मॉल एल्केन बनेगा और उसके साथ एल्कीन्स बनेंगे. फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करेंगे तो स्मॉल एल्केन और उसके साथ एल्कीन्स. अब सेकंड पॉसिबिलिटी भी है जी क्रैकिंग में, वो पता है आपको क्या है सेकंड पॉसिबिलिटी, बताइएगा. I don't know. Yes, मैं बताता हूँ. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होगी, मैं पहले हेडिंग देता हूं. सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग, इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना अगर, तो इससे बेटा एल्कीन्स बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी. ये होगा जी. फॉर एग्जाम्पल C6H14 है, आप इसमें से ना बेटा जरा हाइड्रोजन निकाल दें H2, तो पीछे क्या फॉर्मूला बचा है जरा सोचें. अगर मैं C6H14 में से दो हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो वो किसका फॉर्मूला बच जाएगा? जी इफा, अगर हाँ आप उसको फर्दर भी ब्रेक कर सकते हैं. देखिए H2 किया ना, थ्री कार्बन हैं, तो आपकी मर्जी है C2H4 कर दो और C4H8 कर दो. एक ही एल्केन बनाना चाहते थे वो भी ठीक था, C6H12 वो भी ठीक है, लेकिन एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन ये पॉसिबिलिटी भी है. तो अगर आज के बाद आपसे कोई एक क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या आंसर आप इसके देंगे भाई? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस? बाज बच्चे कहते हैं एयर से मिलती है. क्या एयर में हाइड्रोजन होती है? हाइड्रोजन गैस एयर में होगी? नो नो, अगर एयर में हाइड्रोजन होती ना फिर तो हर जगह ब्लास्ट ही होता रहता, आप माचिस जलाते तो आग लग जाती, क्योंकि ये तो फ्लेमेबल गैस है. एयर में कोई हाइड्रोजन नहीं होती बेटा. तो हाइड्रोजन गैस का जो सोर्स है दैट इज द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ये फॉसिल फ्यूल्स है ना. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बेटा? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज हैं, ये आफ्टर मिलियन ईयर्स के बाद क्या है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए हैं. और पेट्रोलियम, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं. ठीक है, पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. तो ये आपसे अगर पूछे कोई एग्जाम में कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आप बताएंगे बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, या बाय क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, या बाय क्रैकिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो ये बेटा दो केसेस थे, समझ आ गए आपको क्रैकिंग के? यस. अच्छा, अब ना आपके उसमें